Good morning, morning stars. How are you all? Class, once again, I am here with your new video. And today in this video, in English grammar, I discuss about that your new topic about your tense. So everyone, firstly, take out your English grammar book and open page number 63 and read present tense properly. Okay? तो आज हम प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर करेंगे. तो सभी बच्चे पेज नंबर 63 पे दिए गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले समझेंगे. ओके, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है जो कार्य आपका हो चुका है पास्ट में, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन जो कार्य पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका संबंध वर्तमान से भी है, जैसे प्रेजेंट से भी है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस भी होता है. सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या. तो आप कह सकते हैं वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एक्शन इन द पास्ट. ओके, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एक्शन इन द पास्ट, मतलब जो काम आपका पास्ट में हो चुका है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे आपने खाना खा लिया है, आई हैव ईट, ठीक है, ईट को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म में एट. तो यहाँ पे आप एट का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे आई हैव एट. ओके, आप कह सकते हैं वी हैव वर्कड, आप यहाँ पे पास्ट फॉर्म टेंस का इस्तेमाल करेंगे और जो काम आपका हो चुका है उसे हम कहेंगे परफेक्ट. ओके, तो ये आपको बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है. तो सबसे पहले आपको आज राइट करना है वर्क में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस में कंपैरिजन. ओके, तो आज आप कंपैरिजन कैसे राइट करेंगे, आपको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप लिखेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द टाइम इज नॉट स्पेसिफिक. ओके, मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं या फिर कर चुके हैं उसका कोई टाइम नहीं पता है कि कब किया, कितने बजे किया, किस दिन किया, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफरेंसेस बताएंगे. ओके, एंड नेक्स्ट है पास सिंपल टेंस. ओके, पास सिंपल टेंस इज यूज्ड व्हेन द टाइम इज क्लियर. और पास सिंपल टेंस में क्या है, जब हमने जो काम किया था उसका हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि जैसे आई सॉ दैट बीच ऑन थर्सडे. ओके, मतलब थर्सडे को हम लोग बीच पर गए थे या फिर हमने थर्सडे को बीच पर बीच देखा था. तो यहाँ पे थर्सडे क्लियर है, तो ये वर्ड्स जो है आपका क्या है, पास सिंपल टेंस. ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आज का वर्क क्या है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट सॉरी पास सिंपल टेंस दोनों डिफरेंसेस लिखना है. आप लिखेंगे कंपेयर द टू कॉलम, पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइट करेंगे, उसके बाद से राइट करेंगे उसके नीचे पास सिंपल टेंस. ओके, विद एग्जांपल्स जो नीचे दिया गया है, और इसे सभी बच्चे ध्यान से रीड करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिर्फ समझेंगे कि वह कार्य जो आपका हो चुका है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि जो कार्य हो चुका है उसका संबंध वर्तमान से ही है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. तो आज का आपका रिटन वर्क है, आपको कंपेयर करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस पे. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे वर्क. ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वर्क एंड टेक केयर.